अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्विक्स बार्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड आर्ट के बारे में। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वर्ल्ड आर्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम वर्ल्ड को ओपन करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के बाद हम क्लिक करेंगे वर्ल्ड आर्ट पे। तो यहाँ पे ये देखें, कुछ टेक्स्ट जो हैं ये बने बनाए हमें डिज़ाइन में मिल जाते हैं, तो हम इनको एडिट कर सकते हैं। कुछ इनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, साइज का जो है वो सेट कर सकते हैं। बोल्ड अगर है तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ पे इस पर फॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको ओके करते हैं। तो ये देखें, ये उस शेप में जो है ये ओपन हो जाता है जिस शेप में आपने इसको क्लिक किया होगा। यहाँ से इसको मज़ीद जो है इसको जब ओके करेंगे फॉर्मेट इसका ओपन होगा, तो यहाँ से हम मज़ीद इसको जो है एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आप इसको साइज़ जो है छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जी जो साइज़ है इसकी जो चेंजिंग आप लोगों ने करनी होगी वो यहाँ से भी कर सकते हैं। जिस तरह के शेप में नज़र आ रहे हैं ये आप ओके करेंगे तो इस शेप में जो है टेक्स्ट आपका एडिट हो जाएगा। ये देखें, इसको मज़ीद जो है वो एडिट करते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट जो है इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से स्पेसिंग होती है, स्पेस हम इसको कर सकते हैं, टाइट होता है मतलब मज़ीद क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको नॉर्मल होगा या इस यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसकी स्पेस जितनी आप लोगों ने रखनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप हाइट जो है इसकी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी हाइट आप लोगों को चाहिए होगी टेक्स्ट की। और वर्टिकल टेक्स्ट जो है वो आप कर सकते हैं इसको यहाँ से। अलाइनमेंट जो है वो इसकी कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड को, राइट लेफ्ट कर सकते हैं यहाँ से। मज़ीद जो है स्टाइल यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शेप हैं, शेप फिल है, यहाँ पे कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। आपको जो अच्छा कलर लगे आप मज़ीद जो कलर है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं मोर फिल कलर्स। जो आपको कलर अच्छा लगे उस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे इसको करते हैं ओके करते हैं, तो ये उसी कलर में जो है ये टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आउटलाइन जो है वो इसकी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं कलर में, ये देखें। शेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये सर्कल में रखना चाहते हैं, ये देखिए सारी शेप्स हैं इनमें, जो भी शेप आपको अच्छी लगे आप यहाँ से बना सकते हैं। शैडो इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो भी बता दिया था कि किस तरह शैडो इफेक्ट आप लगा सकते हैं टेक्स्ट को। 3D इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, 3D इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। पोजीशन है यहाँ पे, टेक्स्ट की पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं तो पोजीशन सब कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, जो सिंपली मैंने आपको बताना चाह रहा था कि जो वर्ल्ड आर्ट है हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट पे या कोई भी एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो हेडिंग दी जाती है, या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं जिसमें आपको ऊपर हेडिंग जो है वो स्टाइलिश वर्ल्ड में चाहिए होती है, तो आप वर्ल्ड आर्ट में जा कर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कहानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।